सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जीओ। मन मार्ग ठाक न पाए, मन पाछों प्रगट जाए, मन मग न चल पंथ, मन धर्म से ती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन पावे मोख द्वार, मन परवार साधार, मन तर तारे गुर सिख, मन नानक पवे न भिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म दी साधना मन दी साधना है, धर्म दी साधना तन दी साधना नहीं है। मन मनन शक्ति, सोच शक्ति, विचार शक्ति, चेते शक्ति और अहंग शक्ति, इस सारे मजमुए इकट्ठ दा नाम मन है। जो मैं मने है वो मेरी सोचनी च है, जो मैं मने है वो मेरिया यादा दे च है, जो मैं मने है वो मेरे विचारां दे च है, जो मैं मने है उस ते मैनू अहंग हो सकता है, माण हो सकता है, क्योंकि मैं मने है, उसे दा ही मैनू हंकार हो सकता है। बस यही मन है और इसे ही मन नू बदलना है। धर्म दी सारी साधना है मन दी साधना। दो शब्द दोहरा के मैं अग्गे चला। बचपन तो लेके हुण तक जो खादा पीता है शरीर ने, उस खाण पीण दी अंश, सतो अंश, सूक्ष्म अंश इस शरीर विच है। उही मास बनी है, उही मिंज बनी है, उही हड्डियां बनी है और उही साड़ा खून। सिर्फ इस जीवन दे च ही नहीं, अनंत जन्मां दे च जो कुछ असी मने है वो साड़े मन दे च पे है। मन दे च अनंत सिमरतियां पईयां ने, अनंत यादां पईयां ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज इन्हां चार पौड़ियां दे फरमान कर रहे ने, जिस दे मन ने पूर्ण तौर ते परमात्मा नू मन लिया है। वास्तविक जिस नू असी मनना कहिंदे आ इह मनना नहीं है, बे असी गुरु नू मनदे आ तां ही गुरुद्वारे आया, इह मनना नहीं है। गुरुद्वारे जरूर आया, गुरु साढ़े मन का हिस्सा नहीं है। गुरु आनंद है, गुरु महारस है, गुरु महाप्रकाश है, पर मन विच ते बेरसी। गुरु एक परम आनंद है, मन विच ते दुख है, चिंतावां ने। गुरु ते महाप्रकाश है, मन विच ते महा अंधकार है। भगत कबीर ते कहंदे ने, मन रे संसार अंध गहेरा, चौ दिस पसरियो है जम जेवरा। संसार दे च मन दे तल ते अंधेरा ही अंधेरा है, अंधकार है। तो जद मन मन लैंदा है परमात्मा नू, उसकी जो अवस्था बनती है मानसिक, इन्हां चार पौड़ियां च मेरे पातशाह उसे दा ही जिक्र पे करदे ने। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, जिहड़ा मन लैंदा है उहनूं परमात्मा दे रस्ते दे च कोई रुकावट नहीं खड़ी आउंदी। तुसीं आखोगे रुकावट की है, अगर कोई चलेगा तो बाहर जगत उपमा ते करेगा,
सच्चे मार्ग चलदिया उस्तत करे जहान। ये उपमा कईयां नूं हजम नहीं हो सकेगी। अंदर सिद्धियां दी प्राप्ति हो सकती है, नवी तो नवी समझ दी प्राप्ति हो सकती है, अनुभवी ज्ञान दी प्राप्ति हो सकती है, वह भी हजम नहीं होगी। बाहरों जगत दी पूजा रोक के रख देगी, अंदरों सिद्धियां रोक के रख देंगी। पर जिसने किधरे पूर्ण तौर पर परमात्मा नूं मन लिया तो फिर वो ऐसा समझदा उसकी बख्शिश ईश्वरी बख्शिश। बाहर की पूजा प्रतिष्ठा उसनों परमात्मा की पूजा प्रतिष्ठा दिखाई देती है और सिद्धियां उसनों ईश्वरी शक्ति दिखाई देती है। अपना कुछ भी नहीं, निर्लेप हो जाता है। इस तरह का मनुख बाहरों ते अंदरों प्रभावित होकर रुकता नहीं है। कहिंदे ने बहु गिणती उन्हां मनुखां दी है जो बाहरों ही प्रभावित होंदे ने। किसे दा रंग वेख्या, किसे दा रूप वेख्या, किसे दी धन संपदा वेखी, किसे ने उपमा कीती, किसे ने गाल कट दित्ती, बस इसे दा ही प्रभाव। किसे ने जस कर दिता, किसे ने अपजस कर दिता, इसे तो प्रभावित हो गए। ये पहली श्रेणी इसे नाल ही भरे होया है। बाहरों ही प्रभावित होंदा है, जी रहा है बाहर दे प्रभाव हेठ। फिर एक दूसरी श्रेणी है, हजारां विच किधरे एक दो कह सकते हैं, ये बाहरों प्रभावित नहीं आता, ना किसी के धन तो, ना किसी के रूप तो, ना किसी की प्रभता तो, ना किसी के कीते हुए जस तो, ना ही किसी की कीती हुई निंदा तो। अगर इसनों ये भी पता चल जाए, चार बंदे बुरा बुरा आख रहे सन और यह भी सुनन नु मिल जाए चार बंदे महिमा पै गायन करते ने, प्रभावित नहीं है। गुरु रामदास जी महाराज ने इस अवस्था नु इंज बयान कीता, कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है डार। चार बंदे बुरा बुरा आख दिन आखन पै, और चार बंदे भला भला आखते ने आखन पै। ऐसा मनुख बाहर तो प्रभावित नहीं होता। किसी का धन वेख्या उही सोच रहा है, किसी का रूप वेख्या उही याद कर रहा है, किसी ने जस किया है उसे दी खुशी मना रहा है, किसी ने अपजस कर दिता है उही चोट लग गई है। इस तरह का मनुख पल पल देच बाहरों ही प्रभावित होंदा है और बाहर दे प्रभाव हेठ जीवदा है। इसनों कहिंदे ने बाहर मुखी संसारी दुनियादार बंदा। दूसरा, न किसे दे कीते हुए जस तो प्रभावित होंदा है, ना ही अपजस तो। उन्हों पता है जगत का यह सुभाव है, किसे वक्त जस करना, किसे वक्त अपजस करना। ना किसे दे रूप तो प्रभावित होंदा, रूपवंत होए ना ही मोहे, प्रभ की जोत सगल घट सो है। उनु सारे संसार दा स्वप्न चाहे किसे भी पक्ते है, चाहे वह बनस्पति दे चाहे, चाहे वह पशुआं दे चाहे, चाहे मनुखां दे चाहे, चाहे पत्थरां दे चाहे। पत्थरां दे च बेशुमार पत्थर बड़े खूबसूरत, धातुआं दे चों कई धातुआं बड़ियां खूबसूरत, और बनस्पति दे च फुल बड़े खूबसूरत, फल बड़े खूबसूरत। पशुआं दा भी किधरे किधरे ऐसा रंग देखदे हां प्रभावित करदा है। पंछियां दे चों मोर है, हंस है, प्रभावित करदे ने। इस तरह स्वप्न मनुख कोल भी है। रूपवंत होए ना ही मोहे, प्रभ की जोत सगल घट सोहे। ओ इस जगत दे रूप देच
परमात्मा दी अरूप सता नू वेखदा है, सूक्ष्म सता नू देखदा है, सब उसे दई रूप, सब उसे दी चित्रकारी। पर मैं फिर अर्ज करा, पहली श्रेणी दा बंदा जिस नाल सारा संसार भरिया पै, दूजे दा धन वेख के प्रभावित होवेगा, दूजे दा तन वेख के प्रभावित होवेगा, अब जस हो गया प्रभावित होएगा, जस होया प्रभावित होएगा, नफा हो गया पैर जमीन ते नहीं टिकन गए, नुकसान हो गया ढेरी डा के बैठेगा, बाहर तो ही प्रभावित है। इनू कहिंदे ने बार मुखी। दूसरा, बिल्कुल बाहर तो प्रभावित नहीं, चाहे कोई जस करे चाहे अब जस करे, चाहे नफा हो गया चाहे नुकसान हो गया, उद्यम वो करेगा, सफलता मिल गई है तां भी ठीक, असफलता हो गई है तां भी ठीक। इस तरह के बंदे नूं कहिंदे निर्लेप है। निर्लेप दा इन्ना ही मतलब है, ना इस नूं नुकसान लिपाए मान करदा है, ना इस नूं नफा, ना किसे दा कीता होया जस इस नूं डोबदा है, ना अपजस, ना नुकसान इसनों डेंदी कला दिच ले जांदा है, ना ही नफा ऐसा भाव पैदा करता है कि पैर जमीन ते ना टिकन। निर्लेप इंज कह लो हजारां च कोई एक कद मनुख। एक तीसरी श्रेणी है, बिल्कुल पहली श्रेणी तो उल्ट, जिहड़ी पहली श्रेणी दूजे तो प्रभावित है, दूजे दे तन तो प्रभावित है, दूजे दे धन तो प्रभावित है, बाहर जो घटना घट जाए उसे तो ही प्रभावित है, और उसे दे प्रभाव हेठ जी रहा है, कदी दुख दे च ते कदी सुख दे च, दुख सुख करत जन्म फुन मोवा, जन्म होया कदी दुखी कदी सुखी आखिर मर गया, जिंदगी आखिर यही और की है, जन्म होया कदी जस कदी अपजस दा दुख ते सुख, कदी नफा नुकसान दा सुख ते दुख, कदी सफलता ते असफलता दा दुख ते सुख, दुख सुख कर ते जन्म फनम होगा आखिर मर गया। ये बस बार दे प्रभाव हेठ जींदा रहा, कदी दुखी कदी सुखी, कदी एक रस हो नहीं सकया, कदी खुश बैठा है कदी बेचैन, कदी प्रसन्नचित है कदी निढाल, संसारी है बारमुखी है। पर वो जो तीसरी श्रेणी दा मनुख है वो हुण दूजे नूं प्रभावित करदा है, परिस्थिति नूं प्रभावित करदा है, खुद प्रभावित नहीं होंदा। एक तीसरी श्रेणी है, लखां च कोई इक। इंज कह लो सारा संसार भरिया पे है, जो परिस्थिति तो ही प्रभावित होंदा है, बैरूनी हालात तो ही प्रभावित है, बैरूनी हालात कुछ ऐसे बन गए सुखी हो गए, कुछ ऐसे बन गए दुखी हो गए। दूसरा, बाहर तो प्रभावित नहीं है, निर्लेप है, चाहे नफा हो गया चाहे नुकसान हो गया, क्योंकि उसनों पता है संसार का यह स्वभाव है, कदी दिन है कदी रात है, कदी सर्दी है कदी गर्मी है, संसार का यह स्वभाव है, कदी सुख ने कदी दुख ने, तो निर्लेप हो जाता है। दुख सुख रहत सदा निर्लेप ही, जाको कहत गुसाई, सदा निर्लेप हो जाता है, ना किसी दे रंग तो प्रभावित, ना किसी दे रूप तो प्रभावित, ना किसी दी धन संपदा तो प्रभावित। अगर धन संपदा प्रभावित कर रही है तो प्रथम प्राप्ति दा ख्याल पैदा होगा, और नहीं प्राप्त हो सके तो चोरी बेईमानी दा ख्याल पैदा होगा। किसी दे रूप तो प्रभावित है तो फिर दुराचार दा प्रभाव जो है ख्याल पैदा होगा, दूसरे तो प्रभावित है, और दूसरा इस दे हाथ दे च नहीं, दूसरा इस दी पकड़ दे च नहीं,
तो फिर मन विच जो ख्याल चलनगे, जो विचार चलनगे, मन उस तो प्रभावित हो जाएगा। सारी दुनिया बैरूनी प्रभाव हेठ जीवदी है, इन्हां नूं कहिंदे ने बारमुखी संसारी। दूसरा, बाहर दा ये कोई प्रभाव नहीं कबूल करता, अपनी दुनिया च मस्त रहिंदा है, निर्लेप। तीसरा, इतना गहरा चला गया हुण बाहर नूं प्रभावित करता है। इसनों किसी समय उर्दू दे महान शायर गालिब ने कहा सी, एक वो है जो बदलते हैं जमाने के साथ साथ, एक वो है जो जमाने को बदल देते हैं। एक तो वो ने जो समय दी धारा दे प्रभाव हेठ जीवदे ने, पर एक वो ने जो समय दी धारा नूं बदल के रख देंदे ने, प्रभावित करन लग पैंदे ने। उन्हां दी तर्ज जिंदगी, उन्हां दा जीवना, उन्हां दा आचार, उन्हां दा व्यवहार जगत नूं प्रभावित करन लग पैंदा है। बहुत सारी दुनिया उन्हां दे प्रभाव हेठ आ जांदी है। धार्मिक जगत दे च असीं इंज तीन कोटियां ही गिण सकते हैं। महाराज इत्थे कहिंदे ने, जिसने मन लिया है बाहर तो प्रभावित नहीं होवेगा, बाहरों कोई रोक खड़ी नहीं होगी। मन ने मार्ग ठाक ना पाए, जिसने मन लिया उन्हों परमात्मा दे इस मन्ने हुए रस्ते दे कोई रोक नहीं है। रोक की हो सकती है? मैं फिर अर्ज करा, किसे दा धन वेखिया लोभ पैदा होया, किसे दा रूप वेखिया दुराचार पैदा होया, किसे ने जस कर देता है अहंकार पैदा हो गया है, और किसी ने अपजस कर देता है तो दुख पैदा हो गया है। ये बाहर का प्रभाव है। और हर छोटा वड्डा बाहर तो प्रभावित होता ही है, ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन समय नाल मनुख निर्लेप भी हो जाए। मैं कल अर्ज की थी सी, स्कूल विच दाखला लेना भी बड़ा लाजमी है ताकि कुछ अनुभव होवे, कुछ पता चले, पर स्कूल चो निकलना भी बड़ा लाजमी, इसका त्याग करना भी बड़ा लाजमी। जी सारी जिंदगी स्कूल विच ही बैठे रह गए तो स्कूल जेलखाना बन जाएगा। कर्म कांड विच प्रवृत्त होना भी बड़ा लाजमी है, कर्म कांड नूं छड़ना भी बड़ा लाजमी है। किसे मंजिल ते पहुंचने वास्ते कार, बस, जहाज या रेल विच बैठना भी बड़ा लाजमी है, उतरना भी बड़ा लाजमी है। ते बंदा ये तर्क खड़ी कर दे, जे उतरना ही सी तो फिर मैं बैठा ही कहां, मैं नहीं उतरना, जे उतरना ही सी तो बैठिए कहां। जे स्कूल दा त्याग ही करना है तो फिर दाखला क्यों लिया सी? नहीं, दाखला भी लेना है, हुण स्कूल नूं छोड़ना भी है। उपयोग हो गया, उसकी वरतों हो गई। भोजन छक लिया, झूठी थाली नूं एक पासे सुटदिआं देर नहीं लगती। फल दी गिरी खा लईए, छिलकियां नूं परे सुटदिआं देर नहीं लगती, जबकि छिलकिया नूं भी हथ दे च रखिया सी, थाली नूं भी हथ दे च ही रखिया सी, भोजन करके रखिया सी। भोजन छक लिया, थाली परे सुट दित्ती, फल खा लिया, छिलका परे सुट दिता। पर जो हुण ये आखे मनुख, चूंकि मैं थाली चो भोजन छकया तो थाली क्यों छोड़ा, छिलकियां दे चों गिरी लभी है तो मैं तो छिलकियां नूं भी जेब दे च रखांगा, संभाल के रखांगा। तो मैं अर्ज करां, इस तरह के मनुख नूं ही कह देंदे ने बाहर मुखी, बस बाहर दा ही समेट के रख लिया सब कुछ, प्रभावित भी उसे तो ही है। निर्लेप
बिल्कुल प्रभावित नहीं, ग्रहण किया सी किसे वक्त छोड़ दिता है, हुण निर्लेप हो गया है, निरपक्ष हो गया है, निर्लेप हो गया है। पर एक तीसरी अवस्था हुण बन गई है, हुण ये दूजियां तो प्रभावित होना की हुण प्रभावित करता है, कोई धनवान इसनूं प्रभावित नहीं कर सकता, कोई रंग रूप जगत का इसनूं प्रभावित नहीं कर सकता। अगर दूजे दे प्रभाव हेठ जी रहा है तो अजे उस श्रेणी दे चे जिस दे च आम जगत जी रहा है। ये भी मैर्ज करते हैं, और ये भी मनुख दी एक समझ धार्मिक जगत दे च बन दी है, ज्यों मन अपना पर मन तैसा। जे मैं पहले बाहर दे प्रभाव हेठ जी रहा सी तो ऐसा केड़ा मनुख है जो बाहर दे प्रभाव हेठ ना जीवदा होवे, पहली श्रेणी ते इसे च जीवेगा। कदी कदाई फिर इन्हां च कोई निर्लेप हो जाएगा, फिर कदी कदाई इन्हां निर्लेप पुरुषां दे च कुछ ऐसा हो जाएगा कि हुण दूसरे नूं प्रभावित करेगा, इहदी तर्ज़े जिंदगी इसका होना प्रभावित करेगा। इस तरह के मनुख नूं किसने रुकावट खड़ी करनी है, जद हुण प्रभावित ही करन लग पे किसी का प्रभाव लेंदा ही नहीं तो कौन रोकेगा। तो महाराज कहिंदे ने मन ने मार्ग ठाक ना पाए, मैं दोवें पौड़ियां दे अर्थ करने ने, चूंकि अज आप तो इजाजत लेनी है इस टूर दे जिथे समाप्ति, तो मैं चाहना ये पंद्रहवीं पौड़ी हो जाए। भावें एक एक सत्र देच धन गुरु नानक देव जी महाराज ने सागर नूं गागर देच उंडे लिया, पर फिर भी ये जबान ये अकल जो सागर दे सामने एक चम्मच दी तरह, इस चम्मच ने जितना पानी कढ़िया थोड़े सामने रखण दी निमाणी कोशिश करांगे। मन ने मार्ग ठाक ना पाए, जिसने मन लिया है उन्हों कोई रुकावट नहीं खड़ी होगी, रोक नहीं खड़ी, ठाक नहीं होगी, ना किसी की प्रतिष्ठा इसनों रोक सकती है, ना रंग रूप धन संपदा, ना ही अंदरूनी रुकावट खड़ी होगी, कोई रिद्धि सिद्धि भी इसनों नहीं रोक सकती। धन गुरु नानक देव जी महाराज सिद्धां को इस वास्ते गए सन, धन ने थानू नहीं रोकया क्योंकि उन्हां सिद्धां विच बहुत सारे राजकुमार सन ते राजे सन, राज पाठ त्याग के योगी बने सन, राजकुमार सन सिद्ध पुरुष बन गए सन, लेकिन रिधियां सिद्धियां ने रोक दिता सी, उत्थे रुक गए सन। बाहर दी रुकावट ते हटा दित्ती, ना किसे रूप ने रोकया, ना धन ने, ना जस अपजस ने, रिधियां सिद्धियां ने रोक के रख दिता। महाराज कहने रिद्ध सिद्ध सब मोह है, नाम ना वसे मन आए, नाम रस दे रस्ते देच, रिद्धि सिद्धि भी एक दीवार है। रिद्ध सिद्ध अवरासा ये परमात्मा का रस नहीं है, हां परमात्मा दे रस्ते देच ये सब कुछ है, परमात्मा दे रस्ते च रंग रूप भी है, धन संपदा भी है, पदार्थ भी ने, बार बहुत कुछ है। और मेरे पातशाह ते इत्थे तक कहिंदे ने सब कुछ बहुतो बहुत उपाया, मनुख नू रहण लई जितनी धरती चाहीदी है कई गुणा ज्यादा बनाई है प्रभु ने, सब कुछ बहुतो बहुत उपाया, पीण नूं जितना पानी चाहिदा है अनंत गुणा ज्यादा प्रभु ने बनाया है, खाण नूं जितनी खुराक चाहिदी है अनंत गुणा ज्यादा प्रभु ने बनाई है। ये भी मैं अर्ज करदे हां, जितना ऑक्सीजन इस शरीर नूं चाहिदा है अनंत गुणा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, सब कुछ बहुतो बहुत उपाया, तो ये प्रभावित कर सकता है और मनुख इस दे प्रभाव हेठ जी सकता है और इसे दी खातर जी सकता है। ये पहली श्रेणी है सारी दुनिया विच, यही लोक ने, इसनों
इंज भी कहिंदे ने जो मन लैंदा उस नूं अनुभव हो जांदा ज्यों मन अपना परमन तैसा जैसे मैं से प्रभाव हेठ जीवे हाँ लंघे हाँ सारा जगत इसे तरह ही जी रहा और की है। ज्यों मन अपना परमन तैसा मैं कल अर्ज की सी सारे मनुखां दी मूल समस्या एको ही है। अगर मनुख किधरे रुके है लोभ करके काम करके अहंकार करके होर की है और ये सारिया की समस्या कोई एक दो दी समस्या थोड़ी है सब दी समस्या। ज्यो मन अपना परमन तैसा जे मेरे लिए यही रुकावट सी ते जगत लिए भी यही है। जे मेरिया मूल समस्यावां यही सन तो जगत दियां भी यही ने और जो जगत दियां मूल समस्यावां ने मेरिया भी यही ने। इस समस्या नहीं रही तो निर्लेप हो गए। और इतना निर्लेप इतना अंतर्मुखी होया हुण प्रभावित की होना है हुण प्रभावित करता है हुण प्रभावित नहीं है संसार तो। जदों कोई निरंकार तो प्रभावित होंदा है तो उसके प्रभाव हेठ जींदा है वह संसार नूं प्रभावित करता है। यह भी मैं अर्ज करदा हां। और जो संसार तो ही प्रभावित होकर जी रहा है संसार नूं प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि सारा संसार संसार तो ही प्रभावित है मनुख उस हेठ जी रहा है। ज्यो मन अपना परमन तैसा महाराज कहते हैं जो मन लैंदा है जिसका मन मन गया उसनों ना कोई बाहरों रुकावट खड़ी आती है ना अंदरों। मन ने मार्ग ठाक ना पाए। हाँ जी मन ने पासों प्रगट जाए जो परिपूर्ण परमात्मा दे नाम नूं मन लैंदे ने वो प्रगट रूप दे परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। भाव हर का भगत प्रगट न छपे ये गल वखरी है। भाई वीर सिंह जी कहने ने मेरे छुपे रहन दी चा छुप जाना चाहना गुमनाम हो जाना चाहना पर ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया अनक जतन कर हृदय राखिया रतन न छपे छपाया नहीं छुपया। गुजड़ा लद्धम लाल मथे ही प्रगट थिया मथे का मतलब है सामने। सिंधी देच कोई चीज सामने पई है ना तो इंज कहने मथे आए सामने पई है। मथे तो मुराद मथा नहीं है मथे आए सिंधी देच कहने मुल्तान देच भी कहने मथे आए ये सामने पई है। गुजड़ा लद्धम लाल मथे ही प्रगट थे वो जो लाल लदया मिलया सामने प्रगट हो गया। भावें बड़ा छुपाया बहुत छुपाया हर का भगत प्रगट न छपे नहीं छुपता। यह गल वखरी है मेरे छुपे रहन दी चा जगत दिच प्रगट हो जाता है। भगत भगत जग वजया चौ चक्कां दे विच चमरेटा। भाई साहब भाई गुरुदास जी कहते हैं पाणा गंढे राह विच कुल्ला धर्म ढोए ढोर समेटा। कुल दा धर्म ते एही सी कि जुतियां गंढदा सी ते खल उतारदा सी पशुआं दी। भगत भगत करके प्रगट हो गया सारी दुनिया। ब्राह्मणा ने भी कह दिता ठीक है पेशे दा चमार है पर भगत है। बनारस दे सन्यासियां ने भी कह दिता मोची है पर भगत है। इते भगत है भगत भगत जग वजया चौ चक्कां दे विच चमरेटा। भाई साहब भाई गुरदास जी कहने सारे देश दे धुम पै गए इसते इते भगत है। मन ने पत्सम प्रगट जाए जो मन लैंदा है इज्जत सन्मान नाल प्रगट होके प्रभु दे दर ते पहुंच जाता है। जगत देश भी प्रगट आंदा है ते से प्रगट हर द्वारे हरी दे द्वार भी प्रगट आते हैं। परमात्मा की दुनिया च भी प्रगट आते हैं संसार दे च भी प्रगट आते हैं धार्मिक दुनिया च भी प्रगट हो जाते हैं। हाँ जी मन मगन चला पंथ ये पंक्ति अपने आप दे च बड़ी बारीक है। पंथ कहते हैं रस्ते नूं
जो मन लेंदा है परमात्मा दे नाम नूं, ओह इन्हां पंथां दे झगड़ियां दे च नहीं पैंदा, रस्तियां दे झगड़ियां च नहीं पैंदा। एक पंक्ति होर भी थोड़े सामने रखदे आं तां गल स्पष्ट हो जाएगी, वह भी गुरु नानक दी है। श्लोक 12 तो वधीक, पंथा प्रेम ना जाणई ओली फिरे गवार, नानक हर बिसराए के पौंदे नरक अंधार। ते पंथां दा झमेला की होवेगा, और जिसने प्रेम नहीं जाणिया वह पंथ दे झमेलियां च पएगा। भाव अगर कोई कहन लगे बस मुसलमान ही महान है बाकी सारे काफर ने, तो इस पंथ ने उसनु रोक के रख दिता है, इस रस्ते ने उसनु रोक के रख दिता है। अगर कोई ये आखे हिंदू धर्म ही महान है बाकी सारे मलेच ने, इसे ख्याल ने इसनु रोक दिता है। और गुस्ताखी माफ बर्दाश्त करना, बस सिख ही महान है बाकी ते दो कौड़ी खोटे ने, किसे कम देने ने, इस ख्याल नहीं रोक के रख देता है। जबकि सिख दा ते मतलब है मैं सीखना चाहना और मैं कुछ भी नहीं जानता, मैनू कुछ भी नहीं आउंदा। हे प्रभु कम से कम तेरी होंद नू मैं नहीं समझदा, नहीं जानता, मैं जानना चाहना, मैं सीखना चाहना। इतना निर्माण शब्द। जद पंथ दा हंकार पैदा हो जाए तो फिर वो दूजे पंथ नाल टक्कर भी ले सकदा है। हिंदू मुस्लिम खून खराबा भी हो सकदा है, यहूदी इस्लाम खून खराबा हो सकदा है, ईसाई यहूदी खून खराबा होंदा रहा, सैकड़े साल होंदा रहा। ये पंथां दे झगड़े, मन ने मग न चले पंथ। जो परिपूर्ण परमात्मा दे नाम नूं मन लैंदा है और नाम जिस दे मन दा हिस्सा बन गया है, इस पंथां दे झमेले च नहीं पैंदा, पैंदा ही नहीं। फिर दूसरी पंक्ति फिर मैं थोनू सरवण करा दें गुरु नानक देव जी दी, पंथा प्रेम ना जाणई। रस्तियां दा झगड़ा करन वाले मनुख, इस्लाम वड्डा है हिंदू काफर ने, हिंदू धर्म वड्डा है बाकी सारे मलेच ने, ईसाई महान है बाकी दो कौड़ियां खोटे ने, बस सिख ही उच्ची कौम है बाकी तो एवें ही ने, गाजर मूली ने। तो ये ख्याल रोक के रख देगा, जो मन लेंदा इस झमेलियां च नहीं पेगा। उन्हों ए पता है कि सागर तक हजारां दरिया पहुंच देने और अपने अपने रस्ते तो पहुंच देने। जे सिर्फ हिंदुस्तान विच लई गए, गंगा अपने रस्ते तो चल के सागर तक पहुंचती है, गोदावरी अपने रस्ते तो चल के पहुंचती है, नर्मदा अपने ढंग नाल पहुंचती है, और जेलम सतलुज ब्यास अपने ढंग नाल पहुंचते हैं। एक रास्ता नहीं है, अलग अलग रस्तियां तो चल के जे दरिया सागर तक पहुंच सकते हैं, तो वख वख मंत्रां दे जप नाल वख वख साधना नाल मनुख निरंकार तक पहुंच सकता है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। ते जी कोई ये आखे जिस ढंग नाल मैं कर रहा उसे ढंग नाल ही पहुंच सकता है, उंज नहीं। समुचे केरला तमिलनाडु दे च ते कर्नाटका दे चावल लोग खांदे, कणक बिल्कुल नहीं खांदे, उन्हां नूं पचदी भी नहीं, हैरानगी है। तो जी हुण वो ऐलानिया कह दें सिर्फ चावल खाण नाल भुख मिटदी है, कणक खाण नाल तो मिटदी नहीं, मिटदी नहीं, तो झगड़न नू आ जाण तो मूर्खता नहीं तो होर की है। पंजाबी राजस्थानी यूपी दी मुख खुराक कणक है, बाकी शौकिया तौर पर और कुछ भी लैन, लेकिन वो आखन नहीं बस कणक नाल ही भुख मिटदी है, इस पकवान नाल ही भुख मिटदी है। पंजाबी खाने नाल भुख मिटदी है, बाकी खाने नाल भुख मिटदी नहीं, ऐसा कहना ही मूर्ता हो जाएगी। हर तरह का खाना भुख मिटा सकता है, हर तरीके नाल कीता होया भजन परम आनंद दे सकता है, परम सुख दे सकता है, परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। या तो कोई ये स्पष्ट कर देवे नहीं
एक विशेष तरह का खाना ही भुख मिटा सकता है, दूसरा नहीं। अगर ये स्पष्ट हो जाता है तो फिर तो मन लिया जाए एक विशेष ढंग का भजन ही परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है, वरना नहीं। पंथां का झगड़ा की है, बस मेरा ही खाना महान है, दूजे का खाना तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। बस यही भुलेखा पै गया, इतों ही भुलेखा पै गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज की पंक्ति इतनी, क्योंकि इसका खुलासा बहुत वड्डा हो सकता है और गुरु ग्रंथ साहब ही खुलासा है, पर पौड़ियां रह जाणगियां। इस वास्ते अखरी अर्थ करके ही चलिए। मन ने मग न चले पंथ, जो परमात्मा दे नाम नू मन लेंदा है इन्हां पंथां दे झमेलियां च नहीं पैंदा, रस्तियां दे झमेलियां च नहीं पैंदा। और कुछ ऐसे भी होणगे रस्ता बदलदे भी रहिंदे होणगे, बदलदे ने। सिख है राधा स्वामी बन गया, निरंकारी बन गया, कहिंदा नहीं मैं तो उस जथे तो अमृत छकना है, उस जथे तो अमृत छकना है, तो अमृत भी वख वख हो जाएगा। ये भी मैं उस कर दिया। इस्लाम दे 72 फिरके हो गए ने, गालबन 52 टोलिया दे च बौद्ध धर्म वंडिया गया है, तकसीम हो गया है, और 72 फिरके इस्लाम दे ने। दो ते बहुत वड्डे टोले ने ना, कैथोलिक ने ते प्रोटेस्टेंट्स ने, लेकिन सैकड़े ना दे टोले बन गए ने, होर ईसाइयां दे च हजारां टुकड़ियां दे च बटिया होया हिंदू धर्म। कोई देव समाजी, कोई ब्रह्म समाजी, कोई सनातनी है, किसी का कोई इष्ट, किसी का कोई इष्ट। माण करदे हुंदे सन सिख, साडा इष्ट एक है, असी अपनी थां ते टिके हुए हां, पहुंच गए हां, नहीं। अज इन्हां दे च तरह तरह के टुकड़े ने, यह भी मर्ज करदे हां। जात पात भी है ते टुकड़े भी ने। बहुत सारे सिखां नूं ते असी जात करके जानते हैं, असली नाम का पता ही नहीं, जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब तो लिखा रखाया होंदा है, कुछ पता भी नहीं। उस नूं मनुख पिछे करदा है। साडा अद्धा नाम सतगुरु ने आप चुनिया, सिंह ते कौर साडे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने जोड़िया, और गुरु ग्रंथ साहब के शब्द तो अद्धा नाम मां बाप चुनते हैं, रिश्तेदार चुनते हैं। गुरु गोबिंद सिंह का चुनिया होया नाम ते करीबन करीबन कौर ते सिंह नू सारे एक पासे कर दें, फिर भी कहिंदे असीं सिख हां, हैरानगी हो जाती है। खैर बेशतर रस्ते बदलते रहिंदे ने, यह रस्ता चंगा है और रस्ता चंगा है, बदलते रहिंदे ने। एक उर्दू का शायर इस संबंध च भी कहिंदा है, सोते में कट गई कुछ गुनाहों में कट गई, रोते में कट गई कुछ आहों में कट गई। वास्तविक कदी जिंदगी का अध्ययन करिए तो यह शायर तत् निचोड़ पेश कर रहे हैं। सोते में कट गई कुछ गुनाहों में कट गई, रोते में कट गई कुछ आहों में कट गई। मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। रस्तियां ची जिंदगी लंघ गई, कदी पहुंचे ही नहीं, ते रस्तियां दा झगड़ा करदिया ही रस्ते ची रह गए। महाराज कहिंदे मन ने मग ना चले पंथ, रस्तियां दे झमेले च नहीं पेगा, रस्ते च भी नहीं रहेगा, रस्ते दा झगड़ा भी नहीं करेगा। इस तरह के मनुख लई ए होवेगा, सारे रस्ते पुचा देंदे ने, सारे नाम पुचा देंदे ने। गुरु नानक कहिंदे बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है, असी सदके जाने जितने भी तेरे नाम ने गुरु नानक। और हर नाम का जप तेनू प्रगट कर देंदा है, तेरे स्वरूप नू प्रगट कर देंदा। मन ने मग न चले पंथ, धर्म से जो मन लेंदा है उसका पूर्ण तौर ते रब्बी धर्म नाल संबंध जुड़ जाता है। ते धर्म की है, सिर्फ
प्रभु दा नाम दा जप ही धर्म है। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम। हरि दा नाम जप यही श्रेष्ठ धर्म है और हरि दा नाम जप यही निर्मल कर्म है और कोई निर्मल कर्म नहीं। जितने भी निर्मल कर्म करेगा और जगत कहेगा निर्मल ने उस देश तेरा अहंकार होगा, पर जैसे जैसे नाम जपेगा अहंकार तो मिट जाएगा, निरंकार ही निरंकार रह जाएगा। तो मनन वाले दा सीधा संबंध धर्म नाल जुड़दा है। ऐसा नाम निरंजन होए, परमात्मा दा नाम ऐसा कालक तो रहत है, दबिया तो रहत है, माया तो रहत है। जिहड़ा मन जानदा है भाव जिस दे अनुभव दिच आया है ओही जानदा है, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकता, सामने नहीं दस सकता कि नाम ऐसा होंदा है, रस ऐसा होंदा है, ये अवस्था ऐसी होंदी है, इसका कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। हां जी, जे को मन जाने मन कोए, जिस किसी का मन इस नूं जान गया है जना नहीं सकेगा, दस नहीं सकेगा। हां जी, मन पावे मोख द्वार, जिसने मन लिया उस दे सारे बंधन टूट जाएंगे, मुक्त हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, किसी भी गिरफ्त दे च नहीं होगा। हुण तुसी आखोगे बंधन की है, बंधन मैं फिर अर्ज करा कुछ बाहर देने कुछ अंदर देने, और बंधना दा बंधिया होया मनुख भटकदा है। तन बाहर भटकदा है, मन अंदर भटकदा है। भटकण लई अस्थान चाहिदा है, भटकण लई समा चाहिदा है। मन नूं भटकण लई समा चाहिदा है, तन नूं भटकण लई जो है अस्थान चाहिदा है, जगह चाहिदी है, कुछ बाहर, एक थां तो दूसरी थां, एक मुलुक तो दूसरे मुलुक, एक घर तो दूसरे घर, एक बाजार तो दूसरे बाजार। भटकना है, कोई मुद्दा नहीं, कुछ कारज नहीं, टिकाव नहीं, भटकना शरीर दी भटकना। पर बैठा बैठा शरीर ते बैठा है, हुण मन भटक रहा है, समय विच अतीत दियां यादां और भविष्य दियां चिंतावां, मन इसे विच भटकता है। कदी बगौर मुताला करना, तन बैठा है, मन भटक रहा है, समय विच अतीत दियां यादां और भविष्य दी चिंता। अतीत लंघ चुका है, खर्च हो गया है, भविष्य उधारी है, पता नहीं आवना है कि नहीं। वर्तमान कहिंदे ने जिन्हों मैं वर्त सकदा, वर्तमान संस्कृत का शब्द है, वर्तमान जो मेरे वर्तन वाले वेद च आ सकदा है, जिसनों मैं इस्तेमाल कर सकदा, वो है वर्तमान। तो वर्तमान की अज दी रात वर्तमान होवेगी नहीं, अज दा ए दिन ए वर्तमान सी नहीं, जिंदगी इतनी नहीं है, ये भी मैं अर्ज कर दिया। एक गल वखरी है कि मनुख अपना अतीत अगर वाकई जाए तो ये पत्थरां तो भी अगे जा सकता है। जित दुआरे उबरे तिथे लियो अवार, जिन्हां ने कह दिता है कि परमात्मा तो पहले शब्द होया, शब्द तो पहले परमात्मा सी और शब्द तो रोशनी होई, चानना होया, धुंध होई, पानी बनया, वनस्पति बने, सहजे सहजे विकास होया, पशु पक्षी बने, मनुख बने, ये उन्होंने कहा जिन्होंने पिछोकड़ देखे होगा, अपनी स्मृति नु पिछे ले गए। गुरु नानक ने सारा जिक्र किया है, पिछोकड़ ते है तो उत्थों आया। जित दुआरे उबरे तिथे लियो अवार, शब्द तो सारा संसार आया है, शब्द द्वार है, शब्द दे राही प्रवेश करेगा। उत्पत परले शब्दे होवे, खैर एक अलग प्रकरण, पर मनुख अगे भी जा सकता है। भविष्य जिंदगी भावे इतनी ना वे, हजारां साल दी अगे सोच सकता है और इसका मन अगे दिच जी सकता है। बड़ा लंबा भविष्य मैं पढ़ रहा सी कुछ अरसा पहले, चूहे 4 मिनट पिछे जा सकते हैं, 4 मिनट अगे, बस यही इना दा भविष्य है, यही इना दा माजी है, इस तो ज्यादा नहीं। भारत दे
खास करके इस तरह दे जे मनोविज्ञानक ने मन दे तल दी खोज करन वाले ने और खास करके पशुओं की दुनिया की खोज करन वाले वो कहिंदे ने बंदर वध तो वध 24 घंटे पिछे जा सकता इस तो ज्यादा नहीं और 24 घंटे ही अगे जा सकता है इस तो ज्यादा नहीं। मनुख हजारां साल पिछे जा सकता है अगे जा सकता है पर वास्तविक जिंदगी कितनी है मनुख कोल इस वक्त वर्तमान है तो वर्तमान कितना का है। माजी जो लंघ गया भविष्य जो आन वाला है दोवें हाथ देच नहीं ने। हाथ देच की है वर्तमान जिसनों मैं वर्त सकदा वो ही वर्तमान है। मैं माजी नहीं वर्त सकता मैं मुस्तकबिल नूं भी नहीं वर्त सकता भविष्य नूं नहीं वर्त सकता सिर्फ वर्तमान नूं ही मैं वर्त सकता वो ही मेरे वर्तन वाले वे देच आ सकता है। पर वर्तमान किन्ना का है गुरु नानक देव जी महाराज पुछदे ने मरदाने नूं तू दस सकेगा तेनों अपने दमां ते किन्ना का भरोसा है। पातशाह मैनू बहुता भरोसा नहीं है मरदिया मरदिया 100 दम ते ले ही लवांगा ना बस इन्ना ही ज्यादा नहीं। बालिया तू दसेंगा तेनू अपने दमां ते किन्ना क भरोसा है। महाराज इनू 100 दमां दा होवेगा मैनू सिर्फ 10 दमां दा भरोसा है मरदिया मरदिया 10 ते ले ही लवांगा। ते दोवें हथ जोड़ के कहिंदे ने महाराज थानू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है। इनू कहिंदे ने उष्ट लष्ट का अलंकार उठ दी पिठ दे चों लकड़ कढ़ के ते उसे लकड़ नाल उठ नूं चलाना इनू कहिंदे ने उष्ट लष्ट का अलंकार। जिस बंदे ने जिहड़ा प्रश्न कीता है उही प्रश्न उसे ते कर देना इनू साहित्यक दुनिया च कहिंदे ने उष्ट लष्ट का अलंकार। प्रश्न ते गुरु नानक दा सी ते दोहां ने मिलके गुरु नानक ते प्रश्न कर दिता थानू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है। महाराज कहिंदे ने मरदाने आ तेनू 100 दमां दा भरोसा है बालिया तेनू 10 दमां दा भरोसा है मैं हम आदमी आ एकदम एकदम जेड़ा दम आया ही नहीं अजे उदा मैं की दावा करा ते जेड़ा दम मूंह दे चो लंघ गया खर्च हो गया उदा मैं की दावा करा ये दोवें मेरे हाथ दे च नहीं। मेरे हाथ दे च इक्को ही दम है एकदम बस यही वर्तमान है। कहिंदे ने भगवान जद भी प्रगट होवेगा वर्तमान दे च भाव एकदम दे च। मैं वड्डा महल बनाना है एकदम दे च नहीं बना सकता। एक जवान बंदा है और वो आखे कम से कम मैं पड़पोतरिया नूं वेख के मना एकदम दे च सब कुछ नहीं हो सकता। मैं सिंघासन ते बैठना है मिनिस्टर बनना है देश दा मालिक बनना है एकदम दे च नहीं हो सकता। पता नहीं कितने पापड़ बेलने पैणगे एकदम दे च नहीं हो सकता। मनुख एकदम दे च जगत दे च कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता एकदम दे च परमात्मा मिल सकता है ईश्वर मिल सकता है एकदम दे च। या इंज कह लो वो जद भी मिलेगा एकदम दे च मिलेगा जिड़ा दम मूंह दे च होवेगा जो दम लंघ गया है उहदे च नहीं जो दम आण वाला है उहदे च नहीं। हम आदमी आ एकदम साडे कोल नगदी कितनी है जीवन की नगदी कितनी है एकदम बस यही नगदी है। तो धर्म की दुनिया च नगदी चलती उधारी नहीं चलती यह भी मैं अर्ज कर दिया। जिहड़ा दम अजे आया ही नहीं उन्हों असी नहीं चला सकते उन्हों खर्च ही नहीं कर सकते ते जिहड़े दम लंघ गए उते खर्च हो गए लंघ गए उन्हां दमां नाल की मिलिया जो मिलिया कोल होवेगा पर कम से कम उन्हां दमां दे नाल परमात्मा ते नहीं मिले। परमात्मा जद भी मिलेगा एकदम एकदम नकदी है। भाई साहब भाई नंद लाल कहिंदे ने एकदम ये जिहड़ी नकदी है इसनों मैं गुजारिया किस तरह यकदम बखेश रा न बुरदम के कीसतम ऐ वाए नकदे जिंदगी रायगा गुजस्त। नकद जिंदगी मैं रायगा बर्बाद कर दिती एकदम नूं मैं गुजारिया किस तरह
गुजरे हुए दमा दी याद दिज गुजारिया, उस एक दम नो मैं गुजारिया, आन वाले दमा दी चिंता दिज गुजारिया। मन या ते गुजरे हुए कल दियां यादां दे चोवेगा या आन वाले कल दी चिंता च। मनुख जिथे बैठा है उदा मन समय दे च भटकदा है, ते परमात्मा नू की कहिंदे ना अकाल, उहदे च समा नहीं है, वक्त ही नहीं है, समा नहीं है। जद किसे मनुख दी दुनिया च काल खो जांदा है, समा खो जांदा है, अकाल प्रगट हो जांदा है, जो काल दे च नहीं, समय दे च नहीं है। तो फिर किस तरह कीता जाए? मैं फिर अर्ज करा, एक दम दे च अकाल प्रगट हो सकता है, एक दम दे च। निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत, निमक एक सैकंड, एक दम। एक चित जाए एक छिन दे आयो, एक छिन, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने एक छिन, एक सैकंड, एक दम। इस एक दम नो बाबे फरीद ने अज कह दिता है, अज, अज की है, इस सारा दिन अज सी कता ही नहीं, एक दम अज है। आज मिलावा शेख फरीद, धर्म दी भाषा देच, आज एक दम। आज मिलावा शेख फरीद, टाकम कूंजनिया मनो मचिंदड़िया। ये जो मन नो मछराण वालिया वाशनावा ने जे किधरे तू एक दम दे च रुक जाए, ते अज ही मिलाप ले ले, उसे ही दम दे च मिलाप ले ले, एक दम अज। मैं फिर अर्ज करा, सारा दिन अज नहीं सी, धर्म दी दुनिया च अज नहीं है। अगर दम ही ना आया तो अज अज की है, अज की है सिर्फ एक दम, यही अज है। आज मिलावा शेख फरीद, टाकम कूंजनिया, इसे नहीं भगत कबीर ने कह दिता है, टुक दम करारी जो करो हाजर हजूर खुदा है, एक दम देच किधरे टिक जाओ, खुदा हाजर नाजर प्रगट, एक दम। हुण गुजरे हुए दमां दी याद दिच जीवना बड़ा सौखा है, सारी दुनिया जीवदी है। आन वाले दमां दी चिंता दिच जीवना बड़ा सौखा है, सारा संसार जीवदा है। पर जिहड़ा ओ दम है एक, उसे विच ही आ जाए, मनुख तां आ सकदा है, कोई कामना ना होए। कामना लै जाएगी अतीत दियां यादां दिच, कामना लै जाएगी भविष्य दी चिंता दिच। इस वास्ते गुरु नानक कहिंदे ने, दुकान ते बैठ बाजार दे चलो, कामना नाल बैठ, वो सारा काम धंधा कामना नाल चलेगा, एकदम दे च पूरा हो जांदा है। ओम राम एकदम दे च पूरा हो जांदा है, वाहे गुरु एकदम दे च पूरा हो गया। और मैं अर्ज करा, यही महामंत्र वाहेगुरु नूं प्रगट कर देंदे ने, जो एकदम दे च पूरे होंदे ने। कहिंदे ने तीन दफा राम कहला के एक कौड़ी दा कोड़ दूर कीता सी, लोई ने कबीर नाराज हो गए सन। कहन लगे नहीं, ये राम नाम दी तुहीन होई है, एक कोई दफा काफी है, एक दम दे ते बहुत कुछ हो जांदा, पूरा परमात्मा प्रगट हो जांदा। मैं एक दफा फिर अर्ज कर दिया, इस नूं गहराई नाल आप सरवण करना, यानी जो तत् सार है गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी बाणी च रखे, मैं तुच्छ बुद्धि अनुसार थोड़े सामने रखने की निमाणी कोशिश कर रहा। परमात्मा जद भी मिलेगा, हजारा जन्म नहीं ते हजारा साल नहीं, एकदम। पर एकदम दे च आना बड़ा औखा है, एकदम दे च तां आ सकांगे, कोई कामना नहीं, ते कामना लै जाएगी भविष्य की चिंता दे च, कामना लै जाएगी अतीत दियां यादां दे च। करके तुसी देखना, वाहेगुरु जबान कर दी रहेगी, मनुख का मन उत्थे नहीं होगा, वो ते चला गया अतीत दियां यादां दे च, वो ते चला गया भविष्य की चिंता च। मनुख हर वक्त इस तरह ही होंदा है, मनुख का मन समय दे च गति करता है। तन नूं गति करन वास्ते अस्थान चाहिदा है, जगह ही नहीं है, तो मैं तन करके कित्थे भ्रमण करांगा, जगह ही ना होवे, जगह बहुत तंग होवे। शरीर नूं भजन दौड़न वास्ते अस्थान चाहिदा है, मन नूं भजन दौड़न वास्ते समा चाहिदा। अतीत बड़ा लंबा है और भविष्य बड़ा लंबा है, बहुत लंबा है।
बैठा बैठा मनुख हजारां साल अगे जा सकता है, मनुख बैठा बैठा इत्थे अपने जन्म तो भी पिछे जा सकता है। अतीत बड़ा लंबा है, भविष्य बहुत लंबा है, और भविष्य की चिंता ते अतीत दियां यादां मनुख दे मन ते बोझ ने, होर की है। इसे बोझ नूं उतारना है, मन वर्तमान दे चावे। टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदा है, बेत कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिकर ना जाए। पढ़दा रहे तू पाठ वक वक धर्म ग्रंथां दा, पर एक दम दे च नहीं आया। एक दम दे च आन वास्ते एक मंत्री चाहिदा, एक कोई शब्द वाहे गुरु एक दम दे च पूरा हो जांदा है। सानू ए महामंत्र गुरु नानक ने दिता है। मैं आप दी ग्यातली अर्ज करा, इंदौर विच मैनू एक जैनी है ते ग्रस्ती, पर साधुआं नालों अगे है बड़ी उसकी साधना, ते समदृष्ट भी बड़ा हो गया। जिधर किधरे कथा होवे किसी भी मंदिर विच किसी भी गुरुद्वारे विच, कथा दा प्रेमी ये पहुंच जांदा है। और इसे तरीके नाल शाही इमाम इमाम बुखारी नूं सुनन वास्ते कई दफा जामा मस्जिद भी चला जांदा, कहिंदा नहीं राम दी गल सुणा आ, वाहिगुरु दी सुणा आ, जरा अल्लाह दी गल भी सुणा वा। समदृष्ट हो गया, ये भी मैं अर्ज करदे आ। उसने मैनू एक अपना अनुभव दस्या। मैं चूंकि 1 अप्रैल तो 7 अप्रैल तक हर साल इंदौर होना, और गालबन 35-40 साल मैंने इस तरह हो गए, नागा करीबन करीबन नहीं पिया। उस जैनी ने कोई 3-4 साल हुए मैंने एक अपना अनुभव दसिया। कहने लगे मस्कीन जी मंत्र मैं बड़े जपे ने, पर 2 मंत्र ऐसे ने यह हिरदे ते चोट बड़ी कर देन, नाभी ते चोट बड़ी कर देन। सुती हुई कला अंदर दी जाग दी है, अनंत शक्तियां जो सुतियां पईयां अंदर जाग दियां ने। मनुख इतना ही नहीं है जितना ये अपने आप नूं समझदा। पता नहीं कितनी कला, कितना ज्ञान, कितना रस, कितना प्रकाश मनुख दे अंदर मौजूद है और प्रगट हो सकता है। करोड़ां सूरज उस चानने ते कुर्बान किए जा सकते हैं, इतना चानना है। जगत दे सारे रस निछावर किए जा सकते हैं, अंदर इतना रस है, इतना खेड़ा है, इतनी खुशी है, जगत दे किते भी इस तरह की कोई खुशी नहीं है। पर वो सब साजो समान सो रहे है, खुशियां मौजूद, रस मौजूद, प्रकाश मौजूद। जो इसनों मान सकता है वो चेतना सुती हुई है। जागत सोया जन्म गवाया, तू जागया होया नहीं महाराज, कहिंदे सुत्ता होया। तो मैनू कहन लगा 2 मंत्र ऐसे ने नाभी ती चोट बड़ा कर देने, और सुती शक्ति छेती जागदी है। इतना तो मैनू पता सी, कई मंत्रां दा यह जप करदा रहा है वक वक। ओंकार जिथे महाराज ने दक्षिणी ओंकार बाणी उच्चारण की थी, मंदिर दा नाम ही ओंकार है, और गुरुद्वारे का नाम भी गुरुद्वारा ओंकार है, पर उत्थे जैनियां का भी एक मंदिर है, उन्होंने भी ओंकार कहते हैं। ये 3 श्रेणियों का एक महान तीर्थ है ओंकार। शहर का नाम ओंकार है, रेलवे स्टेशन का नाम ओंकार है, उस वसों का नाम ओंकार है, मंदिर का नाम ओंकार है, गुरुद्वारे का नाम ओंकार है, तो जैनिया के मंदिर का नाम ही ओंकार है। उस जैनी नो उस ओंकार मंदिर विच भी कई दफा साधना करदिया देखिया, ते जद अप्रैल दे महीने च उस गुरुद्वारे समागम हो जांदा उत्थे भी आउंदा है। उसने मैनू एक अपना अनुभव सुनाया, सुभावक आ गए स्वास्थ्य मैं अर्ज कर रहा, भावें मैनू कहण लगा सी हथ जोड़ के गैनी जी किसी नूं दस्सिया ना, मैं कम से कम मैं थोड़े जैनियां नूं नहीं दसदा है, इत्थे इंदौर नहीं दसदा, चिंता ना करो। कहले कि 2 मंत्र सुती हुई कला बहुत जगह दे जल्दी जागता है। तो मैं केड़े 2 मंत्र? कहले कि 1 ते वाहिगुरु है, दूसरा अल्लाह हुए, दोहां दी चोट इको जिया पैंदी है,
ना बीते। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। उन्हें मैनू उच्चारण करके दसे अल्लाहो अल्लाहो अल्लाहो। और यकीन जानो उसने दो दफा ही वाहेगुरु आखिया सी, दो दफा ही अल्लाहो आखे, फिर नहीं कह सके, जुड़ गया सी, रस नाल भर गया सी। मैं उसकी हालत देखी सी, मैं कहूं तू बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिता है कि महामंत्र जो गुरु नानक ने इस कलयुग मनुखता की झोली च पाया, इस सुती कला नू बहुत छेती जगांदा है। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। मैनू कहन लगे दोवें ही धर्म नवें ने, इस्लाम ते सिख दोवें ही नवें ने, और दोहां दे हथ इस तरह के मंत्र आए ने, नाभी ते बड़ा चोट करदे ने। मैं कहा मैं पहली दफा तेरे कोल सुन रहा, मैनू इसका कोई बोध नहीं, मैनू इसका कोई ज्ञान नहीं। कहिंदा हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं जैनी होके समदृष्ट हो गया, मैं अल्लाह हो जप के वेख्या, बड़ी चोट करता है, बड़ी समझ पैंदी है। वाहिगुरु जप के मैं देखा, कहिंदा हुण इसनू मैं प्रगट नहीं करता, क्योंकि मैं जैनी हाँ तो मैं गृहस्थी हाँ, बाल बच्चे दार हाँ, मेरे बाल बच्चे हैं तो कोई हरफ ना आवे, मैं खुल के गल नहीं करता। पर जैनिया नूं इह पता है मैं गुरुद्वारे आउंदा, बुरा नहीं मनांदे, पर मैं उन्हां नूं खुल के दस दिया मैं अल्लाह हो भी जपदा तो शायद मेरा समाजिक बाइकाट कर देन, मेरे बच्चियां लई दिक्कत खड़ी हो जाए। पर मैं अर्ज करा, उसने अपना अनुभव दसिया ते मैं कह मैं 100% तेरे नाल सहमत हाँ, वाकई इन्ना भी ते मंत्र दोवें बहुत चोट कर देन। हुण मैं अर्ज करा एक दम दे च परमात्मा मिल सकदा, एक दम दे च, एक मंत्र एक दम दे च उचारण हो जांदा, ते एक दफा आखदे हां ही वाहिगुरु प्रगट होवेगा, एक दफा जद भी कदी प्रगट होया, और उदों प्रगट होवेगा जद कोई कामना नहीं, ना मन नूं भविष्य की चिंता दे च लै जाए, ना अतीत दियां यादां दे च, मन पूरे दा पूरा उस शब्द दे विच होवे, वाहिगुरु इस दे विच होवे, वाहिगुरु प्रगट हो जाएगा। और जैसे वाहिगुरु प्रगट होया, जन्मां जन्मांतरां दे सारे कर्मां दे बंधन टुट गए, मनुख आजाद हो गया। धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। इसे नूं मेरे पातशाह कहिंदे ने मन ने पावे मोख द्वार, जिस दे मन ने मन लिया उन्हों मोक्ष द्वार दी प्राप्ति हो जाती। हाँ जी, मन परवार सदा, इस तरह दा मनुख इस अवस्था नूं प्राप्त करके परिवार दा आसरा भी बन जाता है, भाव परिवार नूं भी प्रेरणा मिल जाती, उन्हों वेख के परिवार दे मेंबर भी चल पैंदे ने प्रभु दे मार्ग ते। हाँ जी, मन तरे तारे गुरसिख, इस तरह दा जो सिख है गुरु दी शिक्षा लेके आप ते तरदा है, पर अपने नाल दे साथियां नूं भी तारदा है, उन्हां दे लई भी प्रेरणा दा जो है स्तोत्र बनदा है। हाँ जी, मन नानक भवे न भिख, इस तरह दी अवस्था तक पहुंचिया या मनुख दर दर दी भटकना तो बच जांदा है, एक परमात्मा दे दर दा ही भिखारी बन जांदा है, दर दर दा भिखारी नहीं, दर दर दी उसदे कोल भटकना नहीं आउंदी। हाँ जी, ऐसा नाम निरंजन होए, परमात्मा दा नाम ऐसा कालक तो रहत है, दबियां तो रहत है, निर्लेप है, जिस दे मन ने जाने है, बस जाने है, वो जना नहीं सकदा, कह नहीं सकदा, उस रस नूं, उस प्रकाश नूं, उस आनंद नूं इशारे ही ने। हाँ, कोई इस इशारे नूं समझ जाए, इशारे नूं समझना की है, जो ये कह रहे है चलो करके देखिए, लेकिन इच्छा करके नहीं। क्योंकि कईयां नूं जद मैं देखे है कहिंदे ने ज्ञानी जी कोई इच्छा नहीं, पर मन जुड़दा नहीं। मैं कह इतनी इच्छा तो है ना, मन जुड़े, इस इच्छा नूं भी परे रख, इच्छा तो है, किस तरह कह रहे हो नहीं इच्छा। कहिंदे की करिए, बाणी बड़ी पढ़दे हां, मंत्र बड़ा जपदे हां, मन तो टिकदा ही नहीं। तो मैं कह नहीं टिकेगा, अगर टिकन की इच्छा नूं लैके जप कर रहे हो नहीं टिकेगा, इस इच्छा नूं भी परे सुट्टो। कौं फल की इच्छा नहीं बाँचे, ये इच्छा भी बोझ बन जाएगी।
उस परमात्मा दे घर देच प्रवेश करन दा एही एक ढंग है, वाहिगुरु दी धुने अलाप प्रवेश हो जाएगा। वैसे तो सनातनी सजना ने बाहरों एक प्रतीक चुने हैं, मंदिर बना लेंदे ने अंदर मूर्ति है, तो दरवाजे ते एक घड़ियाल लटका देंदे ने, उन्हों वजा के अंदर प्रवेश। किसी हद तक सनातन धर्म दे सारे मंदिर दरवाजे ते लटके आया घड़ियाल अंदर मूर्ति, पहुंचना है मूर्ति तक पहले घड़ियाल बजाओ, घंटा नाद नाद करो, आवाज करो, शब्द दी धुन करो। एक प्रतीक है भगवान तक ओही पहुंचेगा जिड़ा पहले उसके द्वार ते आवाज करे, नाद करे। गुरु नानक ने इस लंबे चक्र सानू ना पाया, आख्या ये देही हरी दा मंदिर है और ये मूह दरवाजा है और लटकी हुई ये जमान इसे ही दरवाजे ते लटके होया घड़ियाल है, यही घंटा है, इसे नु बजाओ, इसे ही जबान नाल अलापो, अंदर नौ निद नाम परम चानना प्रगट हो जाएगा। जबान जद वाहिगुरु आखे ते पूरा मन इसे ची होए, और जबान परमात्मा दा दित्ता होया घड़ियाल है, और वाकई जिस दिन ढंग नाल वजाना आ गया, टुकदम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदा है। काफी समा हो गए, मैं समाप्ति करन लगा, पर मेरे मन च ख्याल है भावें कंठ मेरा थक गया, वाहिगुरु दो चार दफा मैं उच्चारण करने की कोशिश करदा। घड़ियाल दी जिहड़ी आवाज है, घड़ियाल दी आवाज की जैसे वजाई एकदम उच्ची, पर धुनाकार एकदम बंद नहीं होएगी। वाहिगुरु इस तरह उच्चारण करना है, मैं देखिया स्टेज उते कोई वाहिगुरु वाहिगुरु जब जपदे ने तो मैनू इंज लगता है ये जपदे पे ने या वाहिगुरु नाल लड़दे पे ने, या एक्सरसाइज पे करदे ने। नहीं, जो घड़ियाल दी आवाज है ओ, इस वास्ते एक नियम अपनाना पैंदा है कि मनुख सीधा बैठ के और जबान उसकी उच्चारण करे, पूर्ण ध्यान नाल उसनु सुने और आवाज धुनाकार होए, ध्यान बाहर ना जावे तो अखां नु बंद करना लाजमी। तो समाप्ति दो दफा तीन दफा दास उच्चारण कर दे, तुसी उच्चारण करना। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। एक दम दिच ध्यान जुड़ के जिस दिन आख्या गया, एक दफा वाहेगुरु ने ही वाहेगुरु प्रगट करना, एक कोई दफा ना। एक चित जाए, एक छिन, एक छिन एक सेकंड, एक दम निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत जित छूटे निमक, एक दम एक सेकंड। घंटा कथा इस वास्ते सुननी है, दो दो घंटे नितनेम इस वास्ते करना है, चार चार घंटे सेवा इस वास्ते करनी है, किसे दिन एक दम दिच मन टिक जाए, एक दम दिच, एक दफा वाहिगुरु आखिए उसे ची पूरा मन होवे, वाहिगुरु प्रगट हो जाएगा। साहिब कहंदे ने ये नाम जिथे प्रगट हो जांदा है ओ ही जानदा है, वह जना नहीं सकता, कह नहीं सकता, ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन को। इतनी सेवा इस वक्त प्रवान करनी, कुछ मिनट ज्यादा हो गए, क्षमा करनी। 15 पौड़ियां ये हो गई, जिंदगी रही, सेहत रही, फिर दोबारा मिलनी हुई तो अगली जपजी साहब दियां पौड़ियां आप जी नूं सरवण करावांगे। समूह संगतां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद, प्यार बख्शतियां रहियां ने, और समूह प्रबंधक साहिबान इन्हां दा भी धन्यवाद, हमेशा जिया आखते रहने। और इस जगह ते पहुंचण दी हर साल पहले तो ही सेठी साहब प्रेरणा कर देंदे रहने, भी नहीं
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਰ ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਭਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਧਰਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਲਈ ਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਚੁਗ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਿਜ ਵਾਟਰ ਦੇ 'ਚ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ 8 ਤੋਂ 9 ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਵਾਰ 11:30 ਤੋਂ 12:30 ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਤਵਾਰ ਦਾ 9 ਤੋਂ 10 ਦਾਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜੋ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਜੋ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।